हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि अजय और आज मैं आपके लेकर आई हूँ गुड़ वाले काजू बादाम। ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है, आप इसे जब चाहें बना के स्टोर करके रख लीजिए और जब आपको स्वीट की कार्विंग हो, कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे निकालिए और मंच कीजिए। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी गिल्ट नहीं लगेगा आपको और बहुत ही हेल्दी स्नैक है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे बनाने की। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिया है काजू और बादाम, दोनों ही आधा आधा कप लिए हैं मैंने। इन्हें हम सबसे पहले रोस्ट करेंगे और वो भी हम बिना तेल के रोस्ट करेंगे। तो आप एक कढ़ाई के अंदर इस तरह से एक कप नमक ले लीजिए, कोई भी नॉर्मल सॉल्ट आप ले लीजिए और इसे अच्छा गर्म होने दें हाई फ्लेम पे। मैं जो भी आप यहाँ पे सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा रीयूज सॉल्ट है, इसे भी मैंने पहले यूज़ किया है रोस्टिंग करने के लिए और ठंडा होने पर मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ और जब चाहूँ उस समय इसको यूज़ करती हूँ रोस्ट करने के लिए। तो देखिए मेरा जो नमक है काफ़ी गर्म हो गया, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपने काजू बादाम और इन्हें मैं मीडियम हाई फ्लेम पे लगातार इस तरह से चलाते हुए रोस्ट करूँगी ताकि ये इवनली हर तरफ से भुन जाएं, रोस्ट हो जाएं। तो बहुत ही कम समय में ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। ध्यान रहे कि ये जले ना, क्योंकि जल गए तो फिर इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जब आप इससे ये काजू बादाम निकाल लेंगे उसके बाद आप इस नमक को ठंडा होने दीजिए और किसी एयर टाइट डिब्बे में इसको स्टोर करके रख लीजिए और जब चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं काजू बादाम को निकाल लेती हूँ बाहर, ये बहुत अच्छे से भुन गए हैं और इनको हम कुछ देर ठंडा होने देंगे। तो देखिए ये हमारे कितने अच्छे से काजू बादाम भुन चुके हैं, वो भी बिना तेल के हमने इनको भुना है। तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा है, तब तक हम इसके आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 140 ग्राम गुड़ ली है और साथ ही हमारे ये रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम इस गुड़ को छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक पैन में इसको ले लिया है, देखिए इस तरह के छोटे टुकड़े मैंने इसके कर लिए हैं। अब इसके अंदर 1/4 कप पानी डाला है मैंने और गैस को ऑन कर दीजिए। और अभी मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी है ताकि ये गुड़ जो है इसमें मेल्ट हो जाए पानी में। तो जैसे ही गुड़ पानी में घुलने लग जाएगा और इस तरह से एक झाग बनना शुरू हो जाएगा, हम अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और एक तार की कंसिस्टेंसी तक हम इसको पकाएंगे। पर आप बीच बीच में इसको हिलाते रहिए ताकि ये नीचे ना लग जाए सिरप। और देखिए हमारी एक तार की कंसिस्टेंसी हो चुकी है, तो हम गैस ऑफ कर देंगे और गरम गरम में ही हम इस गुड़ के सिरप को छान लेंगे ताकि इस पर अगर कोई भी डस्ट है तो वो इस समय सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। तो देखिए हमने इसको छान लिया है, एक साफ़ क्लियर सा सिरप हमारे पास है। नेक्स्ट हम एक बोल के अंदर लेंगे अपने रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके इस सिरप को डालेंगे। एक साथ हमने सारा सिरप नहीं डालना है, तो हम यहाँ पे इसको बैचेस में डालेंगे। तो मैं यहाँ 3 से 4 बार इसको डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो पहली बारी में मैंने इसे डाला है, तो आप इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए इस तरह से अच्छी कोटिंग इस पर तभी होगी आप जितना इसको मिक्स करेंगे। ये सेकेंड टाइम मैंने इसके अंदर सिरप डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जितना आप अच्छे से मिक्स करेंगे उतनी अच्छी कोटिंग इसके ऊपर होगी। तो देखिए अब मेरे लिए स्पून को मूव करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं इसके अंदर फाइनली अब सारा सिरप जितना बचा है वो इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि हमारा जो गुड़ है वो सेट होने लगा है। तो आप इसके अंदर सारा जो बचा हुआ सिरप है वो डाल दीजिए और इसको आप तब तक मूव कीजिए जब तक आपको लगे कि अब गुड़ सेट होने वाला है। तो देखिए आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया और ये थिक हो रहा है। तो जब आप इस स्टेज पे पहुँचे उस समय आप इसको मूव करना बंद कर दीजिए और एक ट्रे के ऊपर, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इस तरह से बटर पेपर रख लीजिए, नहीं तो किसी भी ट्रे के ऊपर आप हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लीजिए या घी ग्रीस कर लीजिए ताकि आपके बाद में ये जो काजू बादाम है गुड़ वाले आराम से निकल जाएँ। और साफ़ हाथों से आप एक एक करके इसे फटाफट लगा दीजिए इसके ऊपर। अगर ये आपस में जुड़े भी रहते हैं तो कोई बात नहीं, जब ये सेट हो जाएगा गुड़ ये ईजिली सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको देखो इस पे रख दिया है एक एक करके और आप देख सकते हैं कि गुड़ भी सेट होने लग गया है हमारा। तो हम अभी शेप इसकी थोड़ी ऐसी ही आई है, नो प्रॉब्लम, आप इसको सेट होने दीजिए 1-2 मिनट और फिर आप साफ़ हाथों से एक एक पीस लीजिए और इस तरह से उसे हल्के से रब कीजिए ताकि ये गुड़ अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए और ये अच्छी सी शेप ले ले। देखिए इस तरह से देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं, तो आप इस तरह से इन सभी को कर लीजिए फटाफट और उसके बाद हम इसको इसी तरह से सेट होने के लिए रख देंगे। तो करीब आधे घंटे के बाद आप देखेंगे ये परफेक्टली हमारे सेट हो गए हैं और ये बटर पेपर से बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से
ये बिल्कुल हमारे सेट हो चुके हैं। आपको मैं बताती हूँ, इसका साउंड सुनिए आप, देखिए कितने क्रंची हैं ये, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है इनकी। तो आप इसको कम्प्लीटली अच्छी तरह से सेट होने दें और उसके बाद आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और जब आपका मन चाहे गिल्ट फ्री आप इसको मंच कीजिए। ट्रस्ट मी, आप एक बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, ये बड़ों और छोटों दोनों को बहुत पसंद आता है। ये बहुत ही अच्छा स्नैक है, एक दो से तो बात बनेगी नहीं, बार बार खाना चाहेंगे आप। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।